हरे कृष्ण मेरे सभी दर्शकों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो, राइट। मेरे पिछला वीडियो आपने देखा होगा, काफ़ी कम व्यूज़ हैं उसमें शिव जी के पूजन के विधि के। आप उसको जाके देख लेना, राइट। अब उसको जाके देख लेना क्योंकि सावन का महीना है एंड आई वॉन्ट यू टू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट। एंड आई वॉन्ट यू टू वर्शिप लॉर्ड शिवा सो दैट वट एवर यू हैव इन योर माइंड एंड वट एवर यू आर एस्पायरिंग फॉर योर फ्यूचर यू अकम्प्लिश दैट, राइट। यू गेट दैट नो मैटर इट्स स्पिरिचुअल, नो मैटर इट्स यू नो मटेरियलिस्टिक, whatever you are thinking, aspiring, and whatever you are your dreams, right? I hope you all get that, okay? So that's why I want you to worship Lord Shiva. तो उस वीडियो को आप जाके देखना, उस वीडियो को आप जाके देखना और उस वीडियो को प्यार दो, राइट। उसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। व्यूज़ कम आते हैं क्योंकि आजकल का युग ही ऐसा है कि लोग एंटरटेनमेंट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं इन कंपेरिजन टू ऑल स्पिरिचुअल थिंग्स, राइट। तो उस वीडियो को जाके देखना, बट फर्स्ट इस वीडियो को कम्प्लीट देखो, ओके। आज कुछ मोटिवेशन के बारे में बात करना चाहूँगा, संपूर्ण देखना वीडियो को। हरे कृष्ण में सभी दर्शकों को, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत शर्मा, घर आया हूँ, मेघालय में वर्क करता हूँ हॉस्पिटल में, राइट। आई एम अ डेंटिस्ट। इफ यू डोंट नो मी, इफ यू आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। आज आपके साथ में मोटिवेशन के बारे में बात करना चाहूँगा, एक मोटिवेटिंग वीडियो होगा ये, ओके। कि लाइफ में अगर आप इन योर लेट लाइक यू नो 25, इन योर अर्ली 15, 16, 17, 18, 19, आई नो स्टूडेंट्स देखते हैं इस वीडियो को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर यू नो प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और यू नो दे आर ऑलरेडी इन कॉलेज और दे आर ऑलरेडी अबव 18 और 25। सो इस वीडियो को शुरू करता हूँ मैं और आपको बताता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस, कितने धक्के खाए हैं और आज मैं आपको क्वालिफाइड हूँ इस बात को बोलने में, ओके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बोलूँगा, दुनिया में कुछ भी हो, राइट, इस दुनिया में कुछ भी हो, गलत हो, सही हो, ये आ रहा है, वो जा रही है, ये आ रही है, वो जा रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण करवा रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में कहा है कि जो भी इस दुनिया में हो रहा है, चर अचर अक्षर मतलब स्थूल है, हाँ, भौतिक है, कुछ भी है, वट एवर कॉन्शियस अनकॉन्शियस, एवरी थिंग इज बाय मी, ये मुझसे है। आपके काम, आपके अंदर काम स्थिति, आपके अंदर इंद्रियों में जो भी आपकी मतलब थिंकिंग है, जो भी आप चाह रहे हो करना, जो भी आपके अंदर नहीं हो रहा वो मुझसे है, वो मैं करवाता हूँ, राइट। तो इसीलिए कुछ भी आपके लाइफ में अगर हो रहा है ना, तो उसको समझना कि भगवान ही करवा रहे हैं। आप पास नहीं हो पा रहे हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप भटकते हो, आपकी इंद्रियाँ इधर उधर भाग रही हैं, राइट। आपको कुछ अच्छा लग गया, आपको मतलब मन में वश में करना तो चाह रहे हो बट आपको फिर वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप उधर जा रहे हो, तो वो क्यों हो रहा है? भगवान 7th से 8th चैप्टर में बोलते हैं कि ये सारे चीज़ मेरे कारण है, जो स्मृति, जो बुद्धि, जो विवेक जो आपके ब्रेन में है वो मुझसे है, राइट। तो इसीलिए डरना मत, इसीलिए आप डरना मत, इसीलिए आपको भी हार मत मान जाना कि भगवान क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मेरे से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ही इज़ टेस्टिंग यू एक्चुअली, ओके, एक्चुअली ही इज़ टेस्टिंग यू सो दैट यू कैन बियर ऑल दैट प्रेशर, यू कैन टेक ऑल दैट प्रेशर। मैं उसेन बोल्ट का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। उसेन बोल्ट इज अ जमैकन एथलीट, राइट, ही इज़ अ वेरी वर्ल्ड रिनाउंड, आजकल तो रिटायर हो गया है वो, बट वो कहता है कि उस 100 मीटर ओलंपिक का जो 100 मीटर है उसको दौड़ने के लिए वो 5 साल कम से कम 20 घंटे दौड़ता है और 20 घंटे इंटेंस ट्रेनिंग करता है वो, एक जस्ट 4 साल 5 साल में आने वाले वो 100 मीटर दौड़ने के लिए। तो सोचो कितना मेहनत लगता होगा 5 साल, इमेजिन आप 20 घंटे यू नो दिन के 7ों दिन मतलब हफ्ता के 7ों दिन और महीना के पूरा 31 और 30 दिन आप पूरा 20 घंटे काम कर रहे हो, संडे को भी छुट्टी नहीं है, बस 5 साल के लिए वो 100 मीटर दौड़ने के लिए, उसेन बोल्ट कहते हैं। माइकल फेल्प्स एग्जांपल देता हूँ आपको, गोल्ड मेडलिस्ट, डेकोरेट ओलंपियन, उसका जो मतलब जब वो एक बार खड़ा हुआ था तो उसके पास जो गोल्ड मेडल्स थे वो उतना शायद किसी एक कंट्री का भी उतना नहीं होगा उसके पास खुद, वो कहता है कि मैं आने वाले रिकॉर्ड तोड़ूंगा। तो सोचिए वो कितना मेहनत करता होगा वो 5 साल सिर्फ उस यू नो स्विमिंग पूल में कूद के वो जस्ट 100 मीटर दौड़ने के लिए, 100 मीटर बैक एंड फोर्थ आने के लिए। तो एग्जाम्पल्स इतने हैं यार, आप उन सब की जीवनी को पढ़ो, उन सब के मतलब सक्सेस स्टोरी को पढ़ो, आपको पता चलेगा कि हार नहीं मानना चाहिए कभी भी, हार नहीं मानना चाहिए। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, राइट। मैंने 1 साल कोचिंग किया है, कोचिंग करके मैं चाहता था कि मैं एक MBBS करूँ, MBBS बनूँ, मेरे अंदर एक जज्बा था, जोश था, मैं मतलब बहुत लग रहा था उस वक्त बट हो नहीं रहा था। बट आखिरकार एक रैंक मिला, रैंक मिलने के बाद BDS मिला, BDS मिलना मतलब डेंटिस्ट मिलना, डेंटल का जो कोर्स है उसको मिला, तो मैंने सोचा कि अब और मैं नहीं करूँगा, मैं यहीं मतलब आपका ले लूँगा, राइट, इसी कोर्स में मैं ले लूँगा क्योंकि मेरा जो है एज जा रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसमें ले लेता हूँ। एंड लॉट ऑफ केओस एंड यू नो मेहम वाज गोइंग ऑन इन माय लाइफ, तो उन सबको भी पीछे रख के, साइड में रख के, कुछ ना सोच के मैंने इस लाइन को चूज़ किया, डेंटिस्ट्री को चूज़ किया इन रिस्पेक्ट टू यू नो इन कंपेरिजन टू MBBS इंस्टेड ऑफ MBBS।
तो लाइफ में कभी हार मत मानना आप, ओके? अगर हार मान जाते हो ना, तो आपके लिए कुदरत ने बहुत कुछ रखा है आगे, भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है आगे, वेल्थ रखा है, सक्सेस रखा है, एवरीथिंग रखा है। वो चाहता है कि आप इस हर्डल को जो वो प्रोवाइड कर रहा है उसको आप पार करो, सो दैट जब पार कर जाओगे आप पास हो जाओगे एंड देन वो चीज़ आपको मिल जाएगा। आज भी जो कुछ मेरे पास है, वट एवर थिंग आई पोजेस, वट एवर वेल्थ आई पोजेस, राइट, वो सारी चीज़ें उन सब हर्डल्स को पार करके ही मुझे मिली है। एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ओवरवेल्म्ड कि भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया, क्योंकि मुझे पता था एक दिन कि इस मुश्किल से अगर मैं आज जा रहा हूँ तो एक ना एक दिन आज से कुछ साल बाद, महीने बाद, यू नो, मुझे वो मिलेगा इसका रिजल्ट, राइट? तो ये मेरे खुद के ऊपर घटित है। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हार मत मानना कोई भी सिचुएशन में अगर आप हों, राइट, पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ कि अगर मेरे अंदर जब तक वीर है, खून है, मैं तब तक लड़ूंगा। ब्रह्मचर्य का पालन करो यार, ब्रह्मचर्य, सेलिब्रेसी जब आपके अंदर है ना, आप दुनिया की कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। जो सेलिब्रेसी नहीं है, राइट, यू आर पीस ऑफ, यू नो, मैं गंदी बात नहीं बोलूँगा यहाँ पे, बट यू आर, यू नो, यू नो, यू नो, एक कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी मत जियो। जियो तो एकदम मतलब राजाओं की तरह, जो कि हाँ मैं सकूंगा, वीर की तरह जियो, एक मतलब क्षत्रिय वो थे ना, क्षत्रिय अर्जुन की तरह, या फिर अपने मतलब भीष्म पितामह की तरह। वो तो खैर बहुत, यू नो, प्रतापी थे, वो वीर थे, उन्होंने पूरा लाइफ अपना ब्रह्मचर्य पालन किया। इस एनर्जी को, आई मीन टू से, अगर ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तो इस एनर्जी को आप लगाओ अपने पढ़ाई में, आप अपने सर्विस में, बिजनेस में, जहीं कहीं भी हो, इस एनर्जी को वेस्ट होने मत दो। इस एनर्जी को आप लगा दो अपने गोल में, भयंकर फोकस के साथ, समाधि के फोकस के साथ, नहीं मुझे पास करना है, नहीं मुझे क्लियर करना है, नहीं मुझे पाना ही पाना है, और मिलता उसी को है जो कुछ सोच लेता। और दृढ़ प्रबल शक्ति के आगे भगवान भी झुकते हैं, राइट? जब भगवान देखते हैं कि इसकी दृढ़ इच्छा है, प्रबल शक्ति है, मैं इसको दूंगा, राइट? आप मतलब दुनिया भर के इंस्टाग्राम में ये वो वीडियोस देख के, इधर उधर टाइम वेस्ट करके, ऐसा आपको नहीं मिलेगा दोस्त, नो, यू आर रॉन्ग। आपको प्रबल इच्छा के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं मुझे चाहिए ही, मैं करूँगा ही, मुझसे होगा, क्यों नहीं होगा, चाहे आज, कल, परसों, रात हो जाए, सुबह हो जाए, नींद उड़ जाए, कोई बात नहीं, खाने को घर में वो नहीं है, खाने मुझे खाना कम खाना है, नो, प्लेजर त्यागना होगा। भगवान खुद कहते हैं भगवद्गीता में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम पिह पिहत चेत साम व्यवसाय इतने का बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि, यू नो, जिसकी बुद्धि काम और वासनाओं में है, भोग ऐश्वर्य में है, तो व्यवसाय इतने का बुद्धि, उसकी बुद्धि कभी मतलब एक स्थिर नहीं रह सकती, वो हमेशा भटकेगी, उसका लाइफ में केओस आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा। भगवद्गीता पढ़ो यार, ब्रह्मचर्य का पालन करो। कहाँ इंस्टाग्राम के उनके पीछे पड़े हुए, कहाँ यूट्यूब के गलत गलत चीज़ों में पड़े हुए हो। लाइफ इज शॉर्ट, राइट? उस शॉर्ट लाइफ को ही मतलब गजब का बना दो, और ऐसा बना दो कि लोग, चार लोग बोले कि मतलब वाह यार क्या से क्या बन गया, राइट? बातों को समझो, इन डेप्थ एनालिसिस करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद को जानो कि तुम क्या करने आए हो इस लाइफ में। क्या तुम वो सब गलत वीडियोस देखने आए हो? ऐसे वीडियोस को ना देख के, आप उन सब वीडियोस को देख के अपना दिमाग ख़राब करने आए हो इस लाइफ में? पर्पस क्या है आपका, वो जानो। पर्पस नहीं जानोगे तो देन यू नो इवन भगवान भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, अगर आप पर्पस नहीं जानोगे अपने, राइट? तो थैंक यू सो मच अपने वीडियो को याद देखते, आई होप आपको मोटिवेशन बहुत मिला होगा, राइट? मेरे आगे की वीडियोस को भी देखना, बहुत ही अच्छे वीडियोस देता हूँ, ओके? एंड फ्यूचर की वीडियोस को भी देखना, राइट? तो ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। मैं भी एक मतलब मेरा भी एक गोल है, मैं उस गोल पे काम कर रहा हूँ, अगर वो हो जाता तो मैं आपको अवश्य ज़रूर बताऊँगा। बहुत मेहनत लग रहा है उसमें, राइट? और आज से तो डबल मेहनत लगेगा, इसलिए वीडियो आपको मैंने देता कि मैं भी मोटिवेट हूँ, आप भी मोटिवेट हो, ओके? तो मोटिवेट योरसेल्फ, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण का नाम लो, महामंत्र चैंट करो, भगवद्गीता पढ़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपको सब कुछ मिलेगा। हरे कृष्ण एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल लाइफ।